जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि फैमत से पहले एक निशानी होगी कि कुछ लोग निकलेंगे और काबे को ढाने की नीयत से निकलेंगे काबे को क्या करेंगे ढाने की नीयत से निकलेंगे कि उसको तोड़ दे उसको ढा दे तो तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मुकाम पर वो लश्कर आ जाएगा और अल्लाह ताला उनको जमीन में धंसा देंगे एक मुकाम पर वो लश्कर आएंगे अल्लाह से धसा देंगे तो माही सफिया ने कहा अल्लाह के रसूल वो लोग उस मुकाम पर आएंगे अल्लाह ताला उनको जमीन में धसा देंगे तो उन लोगों का क्या जो उस लड़ाई में शामिल होने या काबे उठाने नहीं आएंगे मतलब वो पकड़ के लाए गए होंगे गुलाम होंगे काम वाले होंगे जिनका मकसद लड़ना नहीं होगा काबा ढालाना नहीं होगा उनका क्या होगा तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग उनकी नीयत के हिसाब से उठाए जाएंगे वो लोग उनकी नीयत के हिसाब से उठाए जाएंगे इससे एक बार एक मसला भी निकलता है और ये माई सफिया का सवाल करने का जज्बा भी पता चलता है दीन के ताल्लुक से एक मसला क्या निकलता है कि जब कोई इंसान किसी मुकाम पर या किसी अजाब में मुब्तला हो जाए जबकि वो गुनाहगार या वैसा इंसान नहीं था तो लोग उस अजाब में से जब उठेंगे तो उनकी नीयतों के मुताबिक उठेंगे जैसा मिसाल के तौर तो पर आ गया एक शहर में सभी लोग मर गए अच्छे और बुरे तो कैसे उठेंगे वो उनकी नीयतों के मुताबिक उठेंगे तो हमने ये नहीं समझना चाहिए हर बाल जलला तो सभी गुनाहगार होंगे वो उनकी नीयतों के हिसाब से जो जैसा था वैसा उठने वाला तो माई सफिया ने पूछा कि कैसे उठेंगे क़यामत के दिन तो कहा जो जैसी नीयत से आया वैसा मतलब वो दीनी मामला बड़ी दिलचस्पी रखती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्वेश्चंस भी